माशाल्लाह जी बहुत सारे अजायम हैं अल्लाह ने चाहा, तो इस वक्त हम एक एयरलाइन पे भी काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और तमाम अफराद को उसमें हम फैसिलिटीज़ एयरलाइंस में भी प्रोवाइड करेंगे, तो उस प्रोजेक्ट पे भी काम हो रहा है। फिर जिस तरह नईम एजाज साहब ने फरमाया कि मुल्क के डिफरेंट शहरों में सबसे पहले जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, जो हमारी बुनियाद है, इसको फैलाया जाए, और किसी भी मुल्क में जिस वक्त डेवलपमेंट होती है, उसकी ग्रोथ होती है, उसका मेजर सेहरा उस मुल्क के डेवलपर्स के सर पे होता है, ना कि गवर्नमेंट के सर पे होता है। गवर्नमेंट ने उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करना होता है, कारोबार और रोज़गार पैदा करने के मौके जो है वो उस मुल्क के बिज़नेस के तबके ने या डेवलपर्स ने करने होते हैं। सिंगापुर, आज सिंगापुर या दुबई का मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ कि वो रीसेंट हिस्ट्री में मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जिसमें रियल इस्टेट की डेवलपमेंट से उन मुल्कों ने ग्रो किया। अल्लाह पाक ने ये रोज़गार तकसीम करने का एक निज़ाम बनाया, जिस तरह एजाज साहब ने कहा कि किसी को दी हुई नुसरा और मालो दौलत से आपको जलस नहीं होना चाहिए, वो अल्लाह की अता है, अल्लाह की तकसीम है। इसका मतलब है आप अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं है। हमें देख के कितने डेवलपर्स मार्केट में आए हैं ये सब जानते हैं, सारे खड़े, इनसे आप पूछ लें, मेरे ख्याल सैकड़ों के हिसाब से हैं। ट्रेड सेंटर जी हमारी इंशाल्लाह ट्विन सिटीज़ की टॉलेस्ट डेस्टिनेशन होगी, कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, और इसमें स्मार्ट सिटी की तरह जो स्मार्ट फैसिलिटीज़ होती हैं वो तमाम इस बिल्डिंग में बिजनेसमैन को अवेलेबल होंगी। सिक्योरिटी राउंड द क्लॉक होगी, सीसीटीवी कवरेज होगी, वाईफाई होगा, और एक शॉपिंग का यूनिक एक्सपीरियंस है जो इंशाल्लाह हम देने जा रहे हैं।